जापान में G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के विकास और कई योजनाओं में साझेदारी बढ़ाने के लिए भी बात की। इस बैठक में भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले भी शामिल थे। इस मौके पर पीएम ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत यात्रा का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। अपने नए कार्यकाल के शुरुआत में ही आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला, मैं समझता हूँ कि एक खुशी की बात है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि भारत के एक विशाल लोकतंत्र और बहुत बड़े भारी बहुमत के भारतीय जनता ने हमें मैंडेट दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मतदान किया है और उसके तुरंत बाद आपने टेलीफोन कर करके बधाई दी। इतना ही नहीं, कल सेक्रेटरी पोम्पियो खुद आपका एक बहुत ही वार्म चिट्ठी लेकर के आए, यानी भारत के प्रति आपका जो नाता है, आपका भारत के प्रति जो प्यार है, उसको आपने अभिव्यक्त किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पोम्पियो भारत आए थे, कई विषयों पर चर्चा हुई है, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपका जो गर्मजोशी से भरा हुआ संदेश भी उन्होंने मुझे दिया, समय की सीमा में मैं जरूर चार विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध, इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर एक बार, आपने समय निकाला, यहाँ मिलने का अवसर मिला, बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। We work together in many ways, including military, but we certainly work together on trade, and we'll be discussing trade today. You did indeed have a landslide election. That was a great election, 72%. As I understand it, and that in the United States would be called a very big victory, and you deserve it. Some very big things to announce, very big trade deals. We're doing some very big things with India in terms of trade, in terms of manufacturing, in terms of we will be discussing 5G, it's a big subject nowadays, and other things having to do with like manner. So there's been a lot of fun. कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़े राहुल गांधी को मनाने की कड़ी में पार्टी नेता विवेक तन्खा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। विवेक तन्खा कांग्रेस की लीगल विंग के साथ RTI और HR विभाग के चेयरमैन थे। अपने इस्तीफे के साथ ही विवेक तन्खा ने दूसरे नेताओं से भी अपना पद छोड़ने की अपील की है, जिससे राहुल गांधी को अपनी टीम बनाने में आसानी हो। विवेक तन्खा ने अपने इस्तीफे के साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत टीम बनाने की सलाह दी। इस्तीफे के बाद विवेक तन्खा ने ट्विटर पर लिखा, राहुल जी पार्टी को पुनर्जीवित करने और जुझारू ताकत बनाने के लिए कड़े बदलाव करें। आपके अंदर प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प है, बस एक अच्छी स्वीकार्य और प्रभावशाली देशव्यापी टीम तैयार करिए। मैं सभी स्थितियों में आपके साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की अपील की गई, जिसके बाद BJP ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा। अब ये पप्पू की जिद है, हम क्या कर सकते हैं। अब इस पप्पू की जिद और पप्पू के नाज और नखरे कांग्रेस पार्टी जाने और कांग्रेस पार्टी के नेता जाने। इस बीच RPI के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी को सलाह दी, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए, ऐसा इसी तरह हार के बाद भागना ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का समर्थन किया। हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। जापान में G20 देशों की बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की।
पीएम ने जापान को G20 समिट के लिए बधाई दी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भारत भी अमेरिका की तरह दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शांतिपूर्ण विकास के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। जापान अमेरिका इंडिया जय जय का हमारा सीधा सीधा मतलब होता है हम तीनों लोकतंत्र से समर्पित देश। पिछली बार हम अर्जेंटीना में मिले थे और उसके बाद आज फिर से हमें मिलने का अवसर मिला है। हमारे इस फॉरम को एक नई गति मिली है और इस रीजन को भी उसके कारण एक नया विश्वास पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस मीटिंग में सार्थक चर्चाएं होगी। इंडो पैसिफिक के संबंध में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। हम इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से समर्पित लोग हैं। हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं और इसलिए हम इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए शांतिपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस फॉरम का भारी उपयोग कर पाएंगे। अमेरिका का ड्रीम रहा है फिर से एक बार अमेरिका उस ग्रेट बने। जापान ने हमेशा अभिनॉमिक्स के आधार पर जापान को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है और भारत भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम तीनों अपने अपने तरीके से विकास की यात्रा में दुनिया में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूँ। गुजरात में बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच विधायक अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के सभी कयासों को खारिज किया है। कांग्रेस ने अल्पेश की विधानसभा से मेंबरशिप रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से अपील की थी लेकिन अल्पेश ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने पार्टी से नहीं केवल अपने पदों से इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा अभी तक माना नहीं गया है। पंजाब के लुधियाना की सेंट्रल जेल में कैदियों और पुलिस वालों के बीच जंग छिड़ी। जंग भी ऐसी कि जेल में घंटों तक गोलियों की आवाज गूंजती थी। पुलिस के लिए कैदियों को संभालना ही मुश्किल हो गया। और खबर बाहर तब आई जब कैदियों का बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया। वीडियो में हंगामा करते हुए कैदी दिखाई दिए लेकिन सबसे हैरान करने वाली थी गोलियों की आवाज। कैदी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताने लगे कि पुलिस वाले उन पर गोलियां बरसा रहे हैं जिसमें कुछ कैदी जख्मी हो चुके हैं। कैदियों के बीच पंजाब पुलिस के खिलाफ गुस्सा साफ दिखने लगा। हर तरफ हंगामा और अफरा तफरी का माहौल दिखा। जेल में इस कदर गोलियों की तड़तड़ाहट हैरान करने लगी। कुछ कैदियों के हाथों में ईंट के टुकड़े भी दिखे जिससे साफ हुआ कि कैदियों ने भी पुलिस वालों पर पथराव किया। हालांकि इस वीडियो के सामने आने से जेल की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो गए क्योंकि जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन नहीं हो सकता। कैदियों और पुलिस वालों के बीच ये संघर्ष एक कैदी की मौत के बाद शुरू हुआ जिसको तबीयत खराब होने की वजह से बीती रात अस्पताल भेजा गया था। कैदी की हालत नाजुक थी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सुबह जब ये खबर जेल में बाकी कैदियों तक पहुंची तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जेल में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि आर पार की जंग शुरू हो गई। जेल में मौजूद पुलिस वाले कम लगने लगे इसलिए पुलिस की गाड़ियां जेल पहुंचने लगी। सेंट्रल जेल कई किलोमीटर में फैली है। सामने से दिख रही इमारत के पीछे जेल का बड़ा हिस्सा है जहां कैदियों और पुलिस वालों के बीच संघर्ष चल रहा था। कुछ देर में मीडिया के कुछ कैमरे भी सामने वाली इमारत की छत पर पहुंच गए जहां से भागते दौड़ते पुलिस वाले दिखने लगे। पुलिस की कोशिश कैदियों को काबू में करके वापस बैरक में भेजने की थी। गोलियों की आवाज यहां से भी साफ सुनाई देने लगी। कुछ पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए भी दिखे। पूरी जेल जंग के मैदान जैसी दिखने लगी। हर तरफ अफरा तफरी हंगामा और शोर शराबा दिखा। दावा किया जा रहा है कि इस हंगामे के बीच कई कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश भी की। इनमें कई कैदियों को भागने से पहले ही पकड़ लिया गया। इस दौरान जेल में हंगामा लगातार बढ़ता गया जिसके बाद पंजाब पुलिस के तमाम बड़े अफसर जेल पहुंचने लगे और जेल के बाहर मीडिया का जमावड़ा भी बढ़ने लगा लेकिन कोई भी अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। एक एक कर उन कैदियों को भी पकड़ कर लाया जाने लगा जो जेल से भागने की कोशिश में थे। इनमें कुछ कैदी तो पहले से जख्मी दिख रहे थे।
जेल के अंदर ले जाकर उन कैदियों को बैरक में डाला जाने लगा। जेल का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ तो अंदर की कुछ तस्वीरें भी दिखने लगी। पुलिस वाले पीटते हुए कैदियों को बैरक में भेजते दिखे। हालांकि घटना के कई घंटे बाद तक ये साफ नहीं हो पाया कि सभी कैदी जेल में हैं या फिर कुछ कैदी भागने में कामयाब हो गए। बंदे जो हैं वो कितने हैं, इसके बेसिस पे कैलकुलेट फाइनली किया जाएगा। कितने कैदी जो हैं इस समय हमारे पास हाजिर हैं, कितने कैदी हमारे पास सुबह थे। अंदर पुलिस का जमावड़ा इतना दिखा जैसे जेल नहीं कोई छावनी हो। दावा किया जा रहा है कि 5 कैदी इस हंगामे में जख्मी हुए हैं, जबकि 5 पुलिस वालों को भी चोट आई। जो 5 पुलिस वाले जख्मी हुए उनमें जेल के DSP भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल के अपने DSP साहब और करीब 4 मुलाजिम हमारे पंजाब पुलिस इंजर्ड हैं, उनको भी इलाज के लिए भेज दिया है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जेल में हुई इस जंग ने सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक अपने साथी की मौत से भड़कते कैदियों ने पुलिस को जेल से खदेड़ने की कोशिश। इस दौरान जेल में आगजनी भी हुई, हालांकि आग की घटना बड़ी होने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया। अहम बात यह कि कैदियों ने जेल की रसोई में रखे सारे गैस सिलेंडर अपने कब्जे में लेने की भी कोशिश की, जिससे शक हुआ कि कैदी जेल में बड़ा धमाका कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने जल्द ही पूरी ताकत झोंक कर कैदियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस और जेल प्रशासन अब तक ये नहीं बता पाए हैं कि कैदियों के पास वो मोबाइल फोन कहां से आया जिससे उन्होंने घटना का वीडियो रिकॉर्ड। इसीलिए हंगामा तो बढ़ा ही, पंजाब में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि CM का मानना यह है कि जेल के अंदर हुई घटना को कानून व्यवस्था से जोड़ना ठीक नहीं है। This is a matter in the jail. Otherwise, पंजाब इतनी आब हवा जो है बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी पहले कभी भी नहीं थी। लुधियाना में अफसर भी सफाई देने लगे कि हजारों कैदियों को संभालना आसान नहीं है। जेल में हमेशा एक ये वाली दिक्कत तो रहती है कि लोग जो हैं अलग अलग विचारधाराओं के एक साथ आके बैठते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो कभी कभी इस तरह के रूप जो है वो धारण कर लेती हैं। शाम होते होते केंद्र सरकार के भी कान खड़े हो गए। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि CRPF की कंपनी पंजाब की जेलों की सुरक्षा के लिए भेजी जाएंगी। CRPF की तैनाती लुधियाना के अलावा बठिंडा और अमृतसर में भी करने का आदेश जारी किया गया है।